ये क्या हरकतें करती भाई, पागल है ये, थोड़ी मेंटल लड़की है। हाँ तेरी तरह। हंसना था ये, कैसे हंस रही है देखो। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। आज दोस्तों हम जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग करने। अरे कुछ नहीं है भाई, मैं खाने का तो बेचारे को खाने को नहीं मिलता। कि पीछे एक अमेरिका का शिप आया हुआ है और शिप में टैंक भी हैं और भी वेपन्स हैं, जो पीछे अभी जो आयरिश आर्मी है वो अनलोड कर रही थी। क्या हरकत। आज दोस्तों हम हॉर्स राइडिंग करने जा रहे हैं, मतलब आज हम घोड़ा चलाएंगे, मतलब जो मेरे पीछे गधी बैठी है वो भी आज घोड़ा चलाएगी। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, एक लड़की मिली हमें, वो भी सिखाएगी कैसे घोड़े को चलाना होता है, कंट्रोल करना होता है। और वैसे मैंने तो कभी ये किया नहीं है, इसका मुझे पता नहीं, तूने किया कभी ये? नहीं, बस चलाया है मैंने। चलाया है अमरनाथ में। फिर लोगों ने क्या कहा कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा है? तेरे लिए बोल रहे हैं, तू तो कपड़े भी वही पहन के आया है। कौन से कपड़े हैं यार, ऐसे बोली जा रही है। Right, so you're gonna hop up here, okay? So you're gonna put your left foot in here. Left foot here? Yeah, so stand up on the block first. Yeah, perfect. And put your left foot in. And then you're gonna swing your right leg over and just land gently on your back. Yeah, go for it. There you go. That's one of the hardest parts done. All good. So you're gonna hold your reins like this. So you've got three pinky or three fingers like this. आसान नहीं है भाई घोड़ा चलाना, मुझे लग रहा था बच्चों का खेल होगा, बट बहुत जान लग रही थी। एक घंटे का लेसन था हमारा और आज इन्होंने वैसे सिर्फ बेसिक ही सिखाया कि कैसे आप घोड़े को राइड कर सकते हैं, कह रहे थे और हम आगे सिखाएंगे, रेगुलरली आते रहो। खा रहे तेरे भाई को? भाई वो निकालना पड़ेगा ना, पकड़ ले। वो भी आ गया, देख वो दूसरी वाली भी आ गई। बड़े प्यारे घोड़े हैं इनके, गए उनको पता चल गया, बेब को बना रहे खाने का नहीं इनके पास कुछ, साइड में लगता है तो उसको आसपास का दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ सामने देख सकते हैं, तो जब उन्हें मोड़ना पड़ता है तो तुम्हें ऐसे करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है हाथों से। ये सीखा है तू? सीखा भाई साहब, तूने तो कुछ सीखा नहीं, मुझसे तो चलाया भी जा रहा था भाई, इससे चलाया जा रहा था घोड़ा, बैलेंस ही नहीं हुआ बच्ची। वो कह रहे थे भाई साहब ये तो कैसी आ गई है, वहाँ पे 10-10 साल की लड़की चला रही थी घोड़ा, या बेइज्जती करा के आ गई। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे एक ग्रीन वे वॉक है, ग्रीन वे वॉक बेसिकली होता है कि जहाँ पर आप सिर्फ साइकिल चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक चला सकते हैं। पीछे से कोई आ रहा है, इसको जाने देते हैं पहले, बच्ची है बट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है चारों तरफ से। आयरलैंड में क्या है दोस्तों, आपको ऐसे ब्यूटीफुल ग्रीन वे बहुत मिलेंगे जहाँ पर आप साइकिल लेके या अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं, व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट के साथ साइकिलें चला रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, लोग बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं तो अपने बच्चों को शुरू से ही हैबिट डलवा देते हैं कि वो भी थोड़े एक्टिव रहे, तो इसलिए आज हम जहाँ पे गए थे हॉर्स राइडिंग करने, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। साइकिलिंग भी आपको छोटे छोटे बच्चे करते हुए दिखेंगे, इसके अलावा कोई भी आप स्विमिंग में चले जाए, स्विमिंग पूल में बच्चे दिखेंगे 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे। देखो एक और छोटी बच्ची, मैं अभी इसे क्रॉस कर रहा हूँ। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे 2 मिनट रुके हैं, इस लड़की को फोटो लेनी थी क्योंकि इस बेचारे से घोड़ा चला नहीं, कहती 2-4 फोटो ले ले मेरी यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद भी तूने इतनी घटिया फोटो लिए। अच्छा ये तो बता, वैसे जैसे घोड़ा चले कूद जाए, सकर कूद जाए यहाँ पे? हाँ, पानी देख रहे, धक्का दे दे तेरे को, इसको धक्का दे देता हूँ, कूद जाए यहाँ से, धरती का बोझ कम हो जाएगा। अच्छा ये तो बता, घोड़ा क्यों चला था? घोड़ा मुझे चला रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो घोड़ा भी कह रहा था भाई कौन सा गधा मेरे ऊपर बैठ गया, और तू वो घोड़ा ये कह रहा था गधे गधे के ऊपर गधा मत बिठा। भाई तूने घोड़ा चलाया था, घोड़े ने तेरे को चलाया तू था? बता तेरी गर्दन को क्या हुआ है? इसकी गर्दन लकड़ गई सोते सोते। तो भाई रात को ना मैंने नेक एक्सरसाइज करी थी, नेक एक्सरसाइज नहीं करी थी इसने, ये सोया है और इसकी गर्दन अकड़ गई, अब ये गर्दन नहीं ला सकता। दोस्तों दोस्तों इसको बोलो, ये देखो इसकी गर्दन घोड़ा मुझे चला रहा था, मैं उसको चला रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी गर्दन को देख जरा क्या हो गया, बड़ा कहता है क्या कर रही है भाई, क्या हरकतें कर रही है। अब मेरे को घर जाना है, छोड़ मेरे को घर। लगता है भाई ये सुबह सुबह 2 पैक बार के आई है आज। 3 बजे सुबह सुबह कहाँ से हो गई, 1 बजे तो मैं उठी थी। पी के आई है ना तू? नहीं कॉफी पी के आई थी, और बहुत पीऊंगी जाके, पी के तो खून भी पीऊंगी, खून।
वहाँ पे वैसे बेइज्जती करवा के आ गई, आज वो सारे हंस रहे थे इसके ऊपर कैसे यहाँ पे ना ड्रैकुला बन के खा जाऊंगी यहाँ पे क्या हरकतें कर रही है भाई तू पागल है क्या तू। और अभी जब सब सोच रहे कुछ खाने चलते हैं भाई, बहुत थकान हो गई है यार। हाउ डू यू नो हिंदी? आई स्पीक इंग्लिश। बांग्लादेशी, यू नो बांग्लादेशी, यू नो Kamanachi? We don't know Bangla. Shukriya in Hindi. In Hindi, yeah. You know many languages. Yeah. Have you been, I think you have traveled all over the world. No. Not quite. I tried. Did you learn that, like Hindi? Yeah, I was working with two guys from Kerala. Kerala, oh, you know, okay, engineers, yeah. They're around the job. Yeah. They're lovely, yeah. We're great, they're lovely guys. Would you like, do you play cricket here? I'm not good at it, but I play sometimes. Where, in the Mardyke? In the Mardyke, yeah. Yeah? Yeah. Oh, you're right. I think Ireland has a good cricket team as well. Yeah. Yeah, we shocked a few people once. I think we beat who did we Pakistan. Beat? Pakistan. We beat Pakistan. Yeah. And the guy got a heart attack in the night. Yeah, one of the coaches died. Oh. Yeah. Pakistan coach died there. And then they were trying to figure out was it intentional? Yeah. Was it by accident? You know what I mean? It's funny because one of the Irish guys, he thought Ireland was good enough, you know, so he went playing with England. He was eligible for England too. Yeah. And then Ireland played England, you know, he was playing and they beat England. That was the way to do it, like. And you know, it's rare, you know, because Ireland and England, they have a rivalry. Oh, yeah. So it's everything. Yeah. I don't think any Indian player can go to Pakistan and play. Like, there will be riots all over the country. Would you? 2 minutes, dosto, hum coffee pine ke ruke the. तो वो बंदा हमें मिल गया था, काफ़ी वो बकचोदी कर रहा था क्योंकि वो इंडिया को और इंडिया को काफ़ी पसंद करता था, तो हमारा अच्छा टाइम पास हो गया था वहाँ पर। अभी दोस्तों हम यहाँ इनके पोर्ट पे आए हुए थे तो हमने नोटिस किया कि पीछे एक अमेरिका का शिप आया हुआ है और शिप में टैंक भी हैं और भी वेपन्स हैं जो पीछे अभी जो आयरिश आर्मी है वो अनलोड कर रही थी। और ये दोस्तों मैंने पहली बार नोटिस किया, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ बट US का शिप वेपन्स के साथ पहली बार देखा है, तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है यूरोप में। भाई तेरे को फेंक दूंगा मैं यहाँ पे, वो आर्मी वाले हमें हैं, तेरे को डिपोर्ट कर देंगे, वो यहीं से तेरे गांव भेज देंगे। चुप जा, देख कहाँ जा रहे हैं, तेरे को बिना वीजा के चली जाएगा तू, कहाँ जा रहे हैं लोग, यूक्रेन में जाके पटक देंगे तेरे को, ये तेरे को तेरे गाँव भेज देंगे, वो कहेंगे इतने कम दिमाग के लोग, वो कहेंगे इतने कम दिमाग के लोग अलाउड नहीं है इस देश में। भाई सोच तो लिया, अभी जयपुर कह रही थी अभी दिल्ली कह रही थी, एक जगह डिसाइड कर ले पहले। इंडिया की हूँ, सैल्यूट 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बट वैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इस तरफ तो देखिए टैंक है और दूसरी तरफ बिल्कुल यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा कि कुछ नशेड़ी लोग नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। दोस्तों मैं वहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे आयरिश आर्मी वाले लोग आ गए थे, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी वगैरह के रीज़न थे, तो इसलिए भाई वीडियो को अब एंड कर देते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए इस चैनल पर वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।